हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी एक्सटेंट। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टू स्टैंडर्ड पैरेलल कोनिकल प्रोजेक्शन की। इससे पहली वीडियो में हमने वन स्टैंडर्ड को क्लियर कर लिया था, और वन स्टैंडर्ड में मैंने स्टैंडर्ड पैरेलल और बाकी सारे टर्म्स को भी क्लियर कर दिया था। तो मैं चाहूँगी कि आप पहले इस वीडियो को देख लें, उसके बाद आप लोग इसे देखें, ताकि आपको सारे टर्म्स क्लियर रहे, राइट? तो शुरुआत करते हैं, हमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, क्वेश्चन दिया हुआ है, ड्रॉ आ टू स्टैंडर्ड पैरेलल कोनिकल प्रोजेक्शन ऑन आर एफ। हमें आर एफ दिया हुआ है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, बट मैं रीड कर देती हूँ। 125000000, मतलब 6 बार 0। ठीक, और क्लास इंटरवल 10 डिग्री, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन 20 डिग्री नॉर्थ से 80 डिग्री नॉर्थ, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन 60 डिग्री ईस्ट से 60 डिग्री वेस्ट। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। हमें क्या करना है, टू स्टैंडर्ड पैरेलल बनाना है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज मिसिंग है, जो कि है हमारा स्टैंडर्ड पैरेलल। ठीक है, मैं इसे लिख दे रही हूँ। स्टैंडर्ड पैरेलल हमें कितना दिया है, 40 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक, 40 डिग्री और 60 डिग्री, ये हो गया पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे इसमें चार स्टेप आते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग इसमें पहला स्टेप करते हैं। सबसे पहले स्टेप वन क्या था, आर रेडियस का कैलकुलेशन विद द हेल्प ऑफ आर एफ। कैसे, आर इज इक्वल टू एक्चुअल रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, अर्थ का रेडियस वो भी सेंटीमीटर में हम उसे लिखेंगे, राइट? तो कितना होता है, 6351231 अपॉन जितना भी आर एफ गिवेन है, आप उसे लिख दीजिए। कितना गिवेन है, 125 123 1230। ठीक, 6 बार 0। अब आप इसे काट लीजिए, कट जाएगा यहाँ पे 127। ठीक है, अब इसे आप लोग डिवाइड करेंगे तो कुछ आप लोगों को जो रेडियस मिलेगा वो मिलेगा 5.08 सेंटीमीटर्स, राइट? ये आप लोगों का क्या आ गया, रेडियस, आर की वैल्यू आ गई। ठीक, स्टेप वन में सिर्फ हमें इतना करना होता है, यहाँ साफ से लिख लेते हैं 5.08 सेंटीमीटर्स। ठीक, अब बात करते हैं स्टेप टू की। स्टेप वन में चाहे कोई भी प्रोजेक्शन बनाए, स्टेप वन में हमें ये कैलकुलेशन करनी होती है जिसमें हम रेडियस निकालते हैं। स्टेप टू में इसमें क्या करना है, यूजुअली हमने जैसे वन में किया था, वन स्टैंडर्ड पहले कोनिकल प्रोजेक्शन में किया था, सेम हम वैसे ही करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, कितना हमारा रेडियस आया, 5.08, दैट मींस राउंड ऑफ कर ले तो 5.1 आएगा। तो हम लोग 5.1 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे। यहाँ पे हम लोग 5.1 सेंटीमीटर की लाइन खींची हम लोगों ने, राइट? उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इस पॉइंट पे रखेंगे और 90 डिग्री मार्क करेंगे। ये हो गया 90 डिग्री की लाइन। अब इसे स्केल रखकर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की एक लाइन खींच लेते हैं। मैंने खींच ली, राइट? अब क्या है कि ये जो मेजरमेंट है, इस पॉइंट का वो नाम दे देते हैं ए बी। ये डिस्टेंस कितना है, 5.08 कर लेते हैं, जो कि वन ही है अप्रॉक्स। ठीक, अब क्या करेंगे हम, 5.8 का को कंपास पे मेजर करेंगे। ये देखिए, हम लोगों ने मेजर कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक क्वाड्रेंट बनाएंगे, या फिर आप लोग कह सकते हैं एक एक आर्क लगाएंगे। आई होप आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। हमने इतना काम किया अभी तक जैसे हम पहले करते आ रहे थे। अब देखिए क्वेश्चन की तरफ एक बार, कि हमें स्टैंडर्ड पैरेलल क्या दिया है, 40 है और 60 है, और क्लास इंटरवल क्या दिया है, 10 डिग्री। इन तीन चीजों को याद रखिएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्लास इंटरवल को प्रोटेक्टर में देख के आर्क पॉइंट को मार्क करना है। जैसे कि यहाँ पे स्टैंडर्ड हमारे क्लास इंटरवल कितना दिया है, 10 डिग्री का, तो यहाँ पे आपको 10 दिख रहा है, 10 डिग्री के पास ऐसे आर्क लगा ली। स्टैंडर्ड पैरेलल कितना दिया हुआ है, स्टैंडर्ड पैरेलल एक स्टैंडर्ड पैरेलल दिया है हमें 40 डिग्री का, और एक स्टैंडर्ड पैरेलल दिया है हमें 60 डिग्री का, जो कि यहाँ पर है, हमने ये पॉइंट लगा ली। अब हम लोग क्या करेंगे,
विद द हेल्प ऑफ स्केल इस सारे पॉइंट्स को जो हमने मार्क किए हैं उसे हम ए पॉइंट से अटैच करेंगे। मैं इसे थोड़ा टेढ़ा कर रही हूँ। सारे पॉइंट्स को अच्छी तरह अटैच कर लेंगे लाइक दिस। ठीक है, ये बात आपको इतनी तो क्लियर हो गई होगी। जैसे ये हो गया 10 डिग्री, ये हो गया 40 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री। ठीक, अब अगला काम क्या है? अगला काम है कि पहले इन पॉइंट्स को मार्क कर दीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। फिर ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी, ये हो जाएगा ई। ठीक है, अब हम लोग जो सी बी डिस्टेंस है उसको अपने कंपास पे मेजर करेंगे। सी बी डिस्टेंस को हम लोग अपने कंपास पे मेजर करेंगे, राइट? जैसे हम लोगों को देखिए सी बी डिस्टेंस है। अब ए पॉइंट से हम एक और क्वाड्रेंट बना लेंगे या कह लीजिए आर्क लगा लेंगे। ये आर्क लग गया, राइट? तो अब हमें जो अगला काम क्या करना है, अगला काम है कि दोनों स्टैंडर्ड पैरेलल, ये 40 डिग्री का स्टैंडर्ड पैरेलल और ये 60 डिग्री का स्टैंडर्ड पैरेलल से एक यहाँ पे ए बी के पैरेलल एक लाइन खींचनी है इस तरीके से। ठीक है, हम लोग इसके पैरेलल एक लाइन खींच लेते हैं। वो लाइन एकदम पैरेलल होनी चाहिए। आप लोग सेट स्क्वायर का भी यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम लोग स्केल से खींच ले रहे हैं। ये देखिए, ये क्या खींच ली है मैंने, पैरेलल लाइन जी, एच आई, ये मैंने नाम दे दिया। ठीक है, उनका भी नेमिंग कर दिया, राइट? ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप का पहला पार्ट। ये सेकंड स्टेप का पहला पार्ट है, ठीक है, या पहला पार्ट क्या ले लेते हैं, सेकंड स्टेप ही ले लेते हैं। अब काम करते हैं थर्ड स्टेप पे आते हैं, यहीं पे आ जाते हैं, स्टेप थ्री। ठीक है, स्टेप टू में आपने ये बना लिया। ठीक, अब बात करते हैं स्टेप थ्री में आपको क्या करना है। आई होप आपको इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, और एक बार फिर से बता दूं कि जब हम लोगों को लॉन्गिट्यूड का डिस्टेंस मेजर करना होता है तो हम लोग इसका यूज करते हैं, एफ जी और एच आई का, और जब हमें लैटिट्यूड्स बनानी होती हैं तो हम इसका यूज करते हैं। पर इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट अलग हो जाएगा, जैसा कि देखते हैं। अब अगला काम हमें स्टेप टू में क्या करना होता है, स्टेप टू में हमें डीई की डिस्टेंस मेजर करनी है। सपोज ये मैंने कंपास पे ले ली, आप लोग देखते जाइए, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा अभी, क्योंकि यहाँ पे दो स्टैंडर्ड पैरेलल है ना, तो वो बनाना बहुत मुश्किल होगा, इसीलिए हम लोगों को एक थर्ड स्टेप करना पड़ेगा ताकि हमें ये एक बहुत आसान फॉर्म में मिल जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, डी की डिस्टेंस मेजर करेंगे, फिर यहाँ पे एक पॉइंट पे रखा, अपने मन से कोई पॉइंट लिया, उस पर आर्क लगा दिया। ठीक है, इस पॉइंट को मत भूल जाइएगा। ठीक, अब क्या है, एक पॉइंट ये है और ये है, ये पॉइंट क्या है, इस पॉइंट को हम डी कह सकते हैं और ये जो आर्क लगाया है वो ई है। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्या करिए, यहां से सीधी लाइन खींच लीजिए इस पॉइंट से, उसके बाद डी 40 डिग्री का स्टैंडर्ड पैरेलल है, तो ये जो लाइन खींची है आपने, ये एच आई, इसका डिस्टेंस मेजर करिए कंपास पे। एच आई का डिस्टेंस मेजर किया, यहाँ पे ये रहा। सो अब क्या करेंगे, डी पॉइंट पे रखेंगे और आर्क लगा देंगे। लगा दिया आर्क। सिमिलरली हम कहाँ क्या काम करेंगे, जब ई पॉइंट पे आर्क लगाएंगे तो हम एफ जी जो है इनका डिस्टेंस मेजर करेंगे। ये देखिए, इसका डिस्टेंस मेजर कर लिया। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, ई पॉइंट पे रखेंगे और आर्क लगा देंगे। आर्क लगा दिया। अब अगला काम ये हो जाता है कि यहां से हम सीधी लाइन खींच लेंगे। ये मैंने सीधी लाइन खींच दी। ठीक, अब क्या है कि ये दोनों को पॉइंट को अटैच करते हुए एक लाइन खींचेंगे, जहां जहां तक भी वो अटैच होंगे और लाइन जहां तक जाएगी वहां तक की। जैसे ये जो पॉइंट होगा ये पोल होगा,
ठीक है, ये क्या होगा, डी डैश कर लीजिए, ये हो जाएगा ई डैश। ठीक, अब ये स्टेप टू तक, ये स्टेप थ्री तक हुआ। तो विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम हम लोग क्या करेंगे, अपना टू स्टैंडर्ड पैरेलल कोनिकल प्रोजेक्शन बनाएंगे। तो अब बात करते हैं स्टेप फोर की, जिसमें हम लोग वो बनाएंगे, कोनिकल प्रोजेक्शन बनाएंगे टू स्टैंडर्ड पैरेलल। सबसे पहले क्या करना है, ये पोल होगा, तो आप लोग पी पॉइंट से अपने कंपास में डिस्टेंस मेजर कर लीजिएगा, पी पॉइंट से डी पॉइंट तक। डी पॉइंट क्या शो कर रहा है, 40 डिग्री स्टैंडर्ड पैरेलल को। ठीक है, तो ये हमारा मेजरमेंट है। यहाँ पे सबसे पहले स्टेप फोर मेंशन कर देते हैं, स्टेप फोर, राइट। अब क्या करना है आप लोगों को, अपने मन से एक लाइन खींच लेनी है। ठीक, ये हमने लाइन खींच ली। अगला काम क्या है, मेजरमेंट किसका है, हमारा पी से लेके डी तक का मेजरमेंट है। तो इस पॉइंट पे रखा और यहां एक आर्क लगा दी, राइट। अब अगला हमें क्या करना है, अगला हमें डी तक तो दे लिया, डी हमारा क्या शो करता है, 40 डिग्री स्टैंडर्ड पैरेलल को, और अब हमें 60 डिग्री भी दिखाना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पी से ई तक के डिस्टेंस को मेजर करेंगे, पी से ई तक के डिस्टेंस मेजर किया, राइट। और इसी पी से, इस पॉइंट से यहां पर एक आर्क लगा देंगे, ये आप लोगों का आई होप क्लियर हो जाएगा। ठीक, ये हमने आर्क लगा दी, तो यहाँ मैं लिख भी देती हूँ, ये हमारा 40 डिग्री स्टैंडर्ड पैरेलल को दिखा रहा है, ये हमारा 60 डिग्री स्टैंडर्ड पैरेलल को दिखा रहा है, राइट। अब क्या करना है, अब क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, लैटिट्यूड, हमें लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन कहाँ तक दिखाना है, 20 डिग्री नॉर्थ से 80 डिग्री नॉर्थ तक। तो यहाँ पे पोल पॉइंट को कंसीडर किया है, बिकॉज हमें नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाना है। अगर हमें साउथ दिखाना होता तो पोल कहाँ, यहाँ पर होता, ठीक है, नीचे साइड पे होता, यहाँ पे। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब हमें क्या है, 20 से 80 तक नॉर्थ जाना है, दैट मीन्स क्लास इंटरवल कितना है, 10 10 का। तो हम लोग कैसे, कुछ इस तरह के से जाएंगे, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे पेन से, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमारा जाएगा 20 30 40 50 60 70 और 80, 10 10 क्लास इंटरवल के बीच में है, जैसे 20 से 30 में 10 का गैप आता है, तो मतलब 10 है क्या, है हमारा क्लास इंटरवल है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो अब आप लोग देखिए कि ये हमारा 60 डिग्री दिया हुआ है, तो हमारा 60 70 80 दो ऊपर आर्क लगेंगे और बीच में 50 का, 60 से कम कितना होता है, 50, 50 का एक आर्क लगेगा। ठीक, तो अब ये सवाल उठेगा कि डिस्टेंस मेजर कहाँ की करें। तो अभी अभी शुरुआत में वीडियो में मैंने बताया था, जब भी हमें लैटिट्यूड्स बनानी होती है, लेटी हुई रेखाएं बनानी होती हैं, तो हम लोग सीबी का डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो मैं यहाँ पे सीबी का डिस्टेंस अपने कंपास में मेजर कर रही हूँ, राइट, ये मैंने कंपास में मेजर कर लिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ 60 डिग्री स्टैंडर्ड पैरेलल पे रखा कंपास और आर्क लगाया, 60, ये 70, फिर ये 80, राइट। अब क्या किया, अब फिर से 60 पे रखा और आर्क लगाया, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, 50 डिग्री को। ठीक, अब क्या है, हमें 20 तक जाना है, 40 के बाद क्या आएगा, 30, थोड़ा सा उल्टा पड़ रहा है इसलिए दिक्कत हो रही है, 30 फिर 20। ठीक, अब हमने सब रिप्रेजेंट कर लिए, 20 से लेकर 80 तक का हम लोगों ने लैटिट्यूडनल, मतलब लेटी हुई रेखाओं वाला एक्सटेंशन दिखा दिया। अब हमें लॉन्गिट्यूडनल दिखाना है, लॉन्गिट्यूडनल क्वेश्चन में हमें कितना गिवेन है, क्वेश्चन में हमें सिंपली गिवेन है 60 डिग्री ईस्ट से 60 डिग्री वेस्ट तक, दैट मीन्स क्या होगा, और वो भी 10 10 के इंटरवेल पर। तो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग स्टैंडर्ड पैरेलल पे आर्क लगाएंगे, जैसे 10 से लेके 60 तक का, मतलब 6 आर्क इधर लगेंगे, 6 आर्क इधर लगेंगे। अब देखते जाइए इसकी डिस्टेंस कैसे मेजर कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग 60 डिग्री को देख रहे हैं, ठीक, तो यहाँ पे 60 डिग्री का स्टैंडर्ड पैरेलल कौन सा है, ये वाला। ठीक,
ठीक है, उसकी डिस्टेंस कौन सी हुई, लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स बनाते वक्त एफ जी की डिस्टेंस को मेजर करेंगे, यहाँ एफ जी दिख रहे हैं ये, इसके डिस्टेंस को मेजर करेंगे कंपास पे। ये मैंने एफ जी की डिस्टेंस मेजर कर ली, राइट। यहाँ पे आप लोग देखिए एफ जी की डिस्टेंस मेजर कर ली। अब क्या करूंगी मैं, अब आर्क लगाऊंगी 60 डिग्री पे, लगाना क्योंकि ये 60 डिग्री स्टैंडर्ड पैरेलल का वैल्यू है, इसीलिए। तो 60 डिग्री से लिया, 10, 20, 30, 40, 50 और 60, ठीक है। सिमिलर वे में यहाँ पे भी लगा लेंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, राइट। हमने ये सब कुछ लगा लिया। नाउ अब क्या करना है, अब हमें 40 डिग्री स्टैंडर्ड पैरेलल की मेजरमेंट लेनी है। तो 40 डिग्री में आप लोगों को दिख रहा होगा, 40 डिग्री स्टैंडर्ड पैरेलल ये है, तो उसमें जो वैल्यू हम लोग जो अपने कंपास पे मेजर करेंगे वो एच आई की वैल्यू, इन दो पॉइंट्स की वैल्यू को मेजर करेंगे, एच आई की वैल्यू को, राइट। तो शुरुआत करते हैं हम, तुमने एच आई की वैल्यू को मेजर किया, राइट। तो यहां पर भी हम वही करेंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60। अब ये हम लोग इस साइड भी कर लेंगे। तो गाइज हमने इस साइड भी कर लिया है, ठीक। अब क्या है कि जो जो हमने ये जो आर्क्स लगाई है, ये वाली और ये वाली, अब इन्हें हम लोग अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। इस पॉइंट पे रखा और इस पॉइंट की मेजरमेंट लिया, और एक आर्क ड्रॉ कर दी। फिर से इस पॉइंट पे रखा और क्या किया हमने, आर्क ड्रॉ कर दी, ठीक। अब क्या करेंगे हम लोग, फिर से पोल पॉइंट पे रखा और ये 50 यहाँ पे लेके हमने आर्क ड्रॉ कर दी। फिर यहाँ पे हमने क्या किया, इस पॉइंट पे रखा, इसे पेपर को मैं उल्टा कर रही हूँ ताकि आर्क अच्छे से ड्रॉ हो पाए, वो टेढ़े मेढ़े हो जा रहे हैं, फिर वैल्यू से गलत हो जाएगी वैल्यू अगर टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो। ये बन गया हमारा, ये तो हमारा ये पूरा कंप्लीट हो चुका, राइट। अब हमें क्या करना है, हमें ये जो पॉइंट्स हैं, जैसे ये दो पॉइंट्स हुए, इन्हें पोल से अटैच करना है कुछ इस तरीके से। जैसे हमने ऐसे रखा और ऐसे इन पॉइंट्स को हमने अटैच किया। सिमिलरली हम लोग क्या है, इस तरह सारे पॉइंट्स को अटैच कर लेंगे, इधर के और इधर के। सो अब हम लोगों ने क्या है, वो जो पॉइंट्स खींचे थे उन दोनों को अटैच, उन सबको अटैच करते हुए हमने ये लाइंस बना ली, जैसे मैंने आपको एक सैंपल करके दिखाया था, ठीक। थोड़ा सा 19-20 का फर्क आ जाएगा क्योंकि हमारे पास जो डिवाइसेस हैं जैसे कि ये कंपास वगैरह, जरूरी नहीं है कि वो सही हो, या फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ होती ही है, ठीक है। ऊपर से पेंसिल की जो थिकनेस होती है, जो उसकी लीड की, वो भी मैटर करती है, ठीक। तो इसीलिए 19-20 का थोड़ा सा फर्क आएगा, तो आप लोग जब खुद से प्रैक्टिस करें तो ये मत सोचिएगा कि मेरा गलत है, थोड़ा सा फर्क आएगा, ज्यादा लेकिन नहीं आएगा, ठीक। अब हमने इतना प्रोसेस कर लिया, बाकी बची हुई जितनी भी लाइंस हैं उन्हें हम लोग रब कर लेते हैं, राइट। यहाँ पे देखिए हम लोग उन सारी लाइंस को, जो बाकी बची हुई बेकार की लाइंस हैं, हम उन्हें रब कर रहे हैं, ठीक। थोड़ा क्लियरली नहीं है बट
राइट, हमने रब कर लिया उसे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ फिर से चलते हैं। क्वेश्चन में अब हम लोग नोटेशन देने जा रहे हैं कि कौन सा कितना डिग्री है, तो क्वेश्चन को एक बार देख ही लेते हैं। यहाँ पे 20 डिग्री नॉर्थ से 80 डिग्री नॉर्थ हमें लैटिट्यूड्स मतलब ये लेटी हुई रेखाएं दिखानी है। तो यहां से शुरू करते हैं 20 से, तो जगह 20 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, 50 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, 70 डिग्री नॉर्थ, 80 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, 20 से हमने 80 तक हम लोगों ने बिल्कुल दिखा दिया। ठीक, जिसमें से हमारा 40 और 60 क्या है, स्टैंडर्ड पैरेलल है। ठीक, अब हम लोग सिमिलरली हम लोग अब लैटिट्यूड्स की लॉन्गिट्यूड्स की बात करते हैं। लॉन्गिट्यूड्स मतलब ये जो ऐसी ऐसी रेखाएं होती हैं, खड़ी रेखाएं अर्थ पर। तो लो हमें यहाँ पे कितना दिया, 60 डिग्री से 60 डिग्री वेस्ट। दैट मीन्स ये जो होगा, ये जो पॉइंट होगा, ये 0 डिग्री होगा। 0 डिग्री यहां से 10, 20, 30, 40, 50 और 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा ईस्ट, आप लोग लिख लीजिएगा आगे ईई, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ ईस्ट। ठीक, सिमिलर वे यहाँ पर शुरू करते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60। ठीक है, यहाँ पे क्या वेस्ट, वेस्ट। ठीक, तो 0 से 60 मतलब 60 डिग्री ईस्ट से 60 डिग्री वेस्ट तक हमने ये पूरा रिप्रेजेंट कर दिया। फिर ठीक है, ये वाला जो कॉलम है, ये जो साइड में बचा है, इस पे भी आप लोग यही चीज लिख लेंगे, लाइक 20 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री, 50, 60, 70 और 80 डिग्री नॉर्थ। ठीक, बाकी आप लोग लिख लीजिएगा। और जो भी आपकी स्टैंडर्ड पैरेलल है, जो कि क्या है 40 डिग्री, उसके ऊपर आप लोग क्या लिख देंगे, स्टैंडर्ड पैरेलल। स्टैंडर्ड यहाँ पे लिख लीजिएगा पैरेलल। ठीक, बाकी यहाँ पे लिख लीजिएगा। सिमिलर वे में आप लोगों की दूसरी स्टैंडर्ड पैरेलल कौन सी है, 60 डिग्री, तो उसके ऊपर भी आप लोग लिख लेंगे स्टैंडर्ड पैरेलल। ठीक है, लिख लीजिएगा स्टैंडर्ड पैरेलल। तो इतना हो गया, ये हमारा क्या है, ये हमारा 2 स्टैंडर्ड पैरेलल कोनिकल प्रोजेक्शन। इसका बेसिक यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, जब हमें कोई आइलैंड दिया होता है, कोई आइलैंड दिया है हमें, उसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करना होता है, तब हम लोग 2 स्टैंडर्ड पैरेलल कोनिकल प्रोजेक्शन का यूज करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको क्लियर होगी। और ये भी आपको पता होगा कि जो पोल है वो 90 डिग्री होता है और ये नॉर्थ पोल है। ठीक, तो ये चीज साउथ दी होती तो ये पूरा डायग्राम उल्टा हो जाता। ठीक, यहाँ पर क्या होता कि कुछ इस तरह यहाँ साउथ पोल होता और बाकी पूरा डायग्राम कुछ ऐसा कुछ बनता। ठीक, तो इतनी चीजें हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जब आप लोग 50 डिग्री बनाएंगे तो 50 डिग्री में थोड़ा सा क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल नहीं होगा। जैसे हम लोग सब में इक्वल इक्वल आ रहा है, तो 60 डिग्री और ये 40 डिग्री का जो बीच का डिस्टेंस होगा 50 डिग्री का थोड़ा सा यहाँ पास होगा, 40 डिग्री के थोड़ा पास होगी, और 60 डिग्री और 50 डिग्री के बीच में ज्यादा गैप होगा। तो अगर आपका ऐसे कुछ आ रहा है वैल्यू, तो आप लोग इसको गलत मत समझिएगा, ये भी सही है, यही सही तरीका है करने का। ठीक, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा वीडियो के, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और कमेंट में अगर कोई भी डाउट हो रहा है तो आप पूछ सकते हैं। और लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।